Question says, question number 46. Mayank made a bird bath for his garden. पहली बात समझो bird bath क्या होता है। कई gardens में एक pot सा रखा होता है जिसमें पानी भरा होता है, तो अक्सर गर्मियों में birds उसमें आते हैं, डुबकी मार के निकल जाते हैं। मतलब पानी इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वेयर दे कैन कम इन। तो ये अक्सर उन कंट्रीज में या उन सिटीज में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी से पंछी मरने का डर रहता है, समझ रहे हो? तो वहाँ ये चीज़ बनाई जाती है। इट सेज मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो ये यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है, ये एक सिलेंडर है, ओके, और यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दी गई है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दी गई है एट वन एंड। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर्स। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 1.45 मीटर्स। एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो दोनों जगह का सेम होगा, बोलो यस और नो। 1.45 मीटर्स को मैं 145 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ। तो ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो मुझे अगर आगे की जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा उसको। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ क्या होगा पहले ये बताओ। अगर मैंने पूरे बर्ड बाथ को पेंट करना है, मैं फिर बोलता हूं जब भी CSA TSA आए आपके दिमाग में आना क्या चाहिए, मैंने पेंट करना है। मैं पेंट कहाँ करने वाला हूं? मैं पेंट आउटर बाउंड्री पे करने वाला हूं। बोलो क्या मैं निचली साइड पेंट करूंगा? करने की जरूरत है? हाँ, मैं TSA की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे इसको पेंट करना है। हाँ अच्छा, स्टैंड पे खड़ा है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, तो मतलब मुझे ये भी सारा करना पड़ेगा। बोलो और कहाँ करना पड़ेगा? यस और नो। मतलब ये तो खाली है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि भाई मेरा रेडियस क्या है और हाइट क्या है। तो टेक्निकली ये सब गेम क्या है? खाली है। ये तो एक डिप्रेशन बना दी गई है, बाउल बना दिया गया ऊपर। तो टेक्निकली एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या कह रहा है मेरे को, प्लीज अंडरस्टैंड। रिक्वायर्ड एरिया क्या कह रहा है? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई RH। 2 पाई, इसको मैं कैपिटल R ले लूं, R तो दोनों का सेम ही है, रहने दो फिर। 2 पाई RH, एरिया ऑफ बेस क्या हो गया पाई R स्क्वायर, एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। मैं तो पहले कह रहा हूँ कारण मुझे यहाँ पे when someone observes मुझे यहाँ दिखाना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम घर में भी अगर ये चीज बनानी हो, मैं यहाँ पे मटेरियल तो लगा हुआ है पर मैं पेंट के पैसे बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? यस और नो। अगर वो कहता कि इसको बनाने के लिए शीट कितनी यूज हुई तो मैं इसको इंक्लूड करता। अभी वो क्या कह रहा है, वो डायरेक्टली मेरे को क्या कह रहा है, दैट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक है, तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात भी करूं तो ये इंक्लूड होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। यस, लेट्स फिगर आउट द आंसर, लेट्स फिगर आउट। हाँ, आंसर बिना पाई R स्क्वायर पे आ रहा है ना तेरा, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब जनरली आई वाज अवॉइडिंग दिस पार्ट एट दैट टाइम। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस जो है, मैं अगर पेंट की फीलिंग से सोचूं तो ये कट गया क्योंकि ये मेरे को किसी को दिखाना नहीं है। तो अगर ये कट गया तो मेरे पास बना गया 2 पाई R स्क्वायर H प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई, अंदर क्या बचा बेटा H प्लस R। इज दैट ओके? 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या है 30 इंटू H क्या है मेरे पास 145। हाँ जी, 145 और R क्या है 30। तो ये बना 2 × 22/7 इंटू 30 इंटू 175, ये कटिंग हो गई 7 2 14, 35 25 पे गया, ठीक है जी। सो 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 30, 50 इंटू 22, सो ये आया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 10,000 से डिवाइड करते ही ये सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया। तो योर आंसर व्हाट इज 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम बर्ड बाथ बना रहे हैं अगर वो कहता है सिर्फ बर्ड बाथ बनाना है तो इमेजिन करना है मन में पेंट हो रहा है। अगर वो कहता है कि कितना मेटल यूज हुआ इसको बनाने में, पहली बात मेरे को यहाँ मेटल लगे ना लगे तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि बर्ड बाथ के लिए बर्ड ने तो यहाँ तक पानी होल्ड करना है, मतलब पानी इस बर्ड बाथ के टैंक ने यहाँ तक होल्ड करना है, ये तो नीचे खाली है। इज दैट क्लियर? तो आई विल नॉट बी कंसिडरिंग दिस। हाँ, अगर वो कहें, प्लीज अंडरस्टैंड, कि अगर आप कहते हो स्टैंड पे खड़ा, फिर क्या है, यहाँ पत्तियां लग जाएंगी। आई एम सेइंग बोथ आर करेक्ट, इट इज द वे योर रिप्रेजेंटेशन। रावी और सिलेंडर का बेस क्या फर्क है? दोनों साइड पे और भी हो ना, वहां पे तो एडमिशन क्लियर है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो डिप्रेशन मेरे को काम कर ही रही है। इज दैट क्लियर? करिए नोट।